हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन4दू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने आईफोन की लोकेशन किस तरह चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं जो कि आपके कंट्री में मौजूद नहीं, या फिर कोई आप ऐसी गेम खेलना चाहते हैं जिसमें आपको लोकेशन चेंज करने की ज़रूरत है, तो आप अपने आईफोन पर फेक लोकेशन सेट कर सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल समझेगा कि आप किसी और कंट्री में मौजूद हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेनोर शेयर आई एनी गो को। इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने आईफोन की लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं और इसको यहां से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके तीन ऑप्शन हैं, चेंज लोकेशन, सिंगल स्पॉट मूवमेंट और मल्टी स्पॉट मूवमेंट। अभी हम तीनों को बारी बारी देखेंगे। तो अभी हम पहले चूज़ करते हैं चेंज लोकेशन को और यहाँ एंटर के बटन पर क्लिक करते हैं। अपने आईफोन को यूएसबी डाटा केबल की मदद से पीसी के साथ कनेक्ट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरी लोकेशन इस जगह की है। तो अगर मैं इसकी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ सर्च बार मौजूद है। तो आप जहाँ की भी लोकेशन या जिस कंट्री की लोकेशन भी आप चूज़ करना चाहते हैं उसको यहाँ पर एंटर करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ न्यूयॉर्क। तो यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स। तो अभी मेरे पास न्यूयॉर्क की लोकेशन आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये करंट लोकेशन मेरी शो कर रहा है और उसके नीचे डिस्टिनेशन जो कि न्यूयॉर्क की है और इसके नीचे टोटल डिस्टेंस भी शो कर रहा है। तो मैं यहां से स्टार्ट टू मॉडिफाई पर क्लिक कर देता हूं, तो आपके आईफोन पर उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे आईफोन में भी न्यूयॉर्क की लोकेशन आ चुकी है। तो हमारा मोबाइल भी यही समझ रहा है कि अभी हम न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। तो यहां पर आप क्लिक करके अपनी करंट लोकेशन पर जा सकते हैं और इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप लोकेशन को मूव करना चाहते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंगल स्पॉट मूवमेंट का ऑप्शन मौजूद है। तो इसको सेलेक्ट करके एंटर के बटन पर क्लिक करें तो आप जिस लोकेशन पर मूव करना चाहते हैं उस लोकेशन को चूज़ करें। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है, उसके बाद एंड पॉइंट है और उसके नीचे स्पीड है कि किस स्पीड से आप मूवमेंट करना चाहते हैं, और इसके नीचे मूव का ऑप्शन है कि आप कितनी दफ़ा मूव करना चाहते हैं। मैं इसको 2 टाइम्स कर देता हूँ और उसके बाद स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है और सेम इसी तरह मूवमेंट हमारे फ़ोन पर भी शो हो रही है। आप इसको 1 टाइम, 2 टाइम्स या जितनी बार भी चाहें मूव कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको स्टॉप कर देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है मल्टी स्पॉट मूवमेंट का। अगर आप एक से ज़्यादा जगह पर मूव करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मैं मूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास ये तमाम रूट शो कर रहा है और उसके नीचे स्पीड का पूछ रहा है। हम यहाँ पर इसकी स्पीड सेट कर देते हैं और इसके बाद टोटल डिस्टेंस और स्टार्ट टू मूव के बटन पर क्लिक कर दें। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी उसी स्पीड से जो स्पीड हमने सेट की थी, और सेम उसी तरह मूवमेंट आपके फ़ोन पर भी शो होगी। जिस तरह ये मूव करता जाएगा उसी तरह ये आपके फ़ोन पर भी मूव करेगा। तो इसकी मदद से आप अपने आईफोन की लोकेशन चेंज कर सकते हैं, किसी भी कंट्री की लोकेशन आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प देगा मुख्तलिफ गेम्स और ऐप्स में। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।